आज मजलिस आई यहां पर गुजरात के अंदर एक साल हुआ है और एक साल के अंदर मजलिस को जो मोहब्बत मिली है वो आप यहां देख सकते हैं। एक साल पहले हम लोग गुजरात अहमदाबाद के अंदर सबसे पहले हम लोग आए थे, भरूच के अंदर जाहिर सभा की थी, उसके बाद अहमदाबाद में जाहिर सभा की थी, उसके बाद मोड़ासा में जाहिर सभा की थी, उसके बाद गोधरा में जाहिर सभा की, उसके बाद छापी में, उसके बाद सूरत में, उसके बाद मरोल में, और आज देखते हैं कितनी भारी तादाद के अंदर मजलिस को मोहब्बत मिल रही है। यह मोहब्बत देखकर कांग्रेस वालों के पैर से नीचे से जमीन खिसक गई है और मजलिस के खिलाफ हेल फेल बयान दे रहे हैं। आपने यहां पर देखा होगा बीजेपी वालों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एक वीक से यहां पर जब मजलिस यह आने का सुना तो बीजेपी वाले ने कई लोगों ने निवेदन भी दिए कि मजलिस आ रही है, 800 दिन हुए साहब आ रहे हैं, यहां पर भड़काऊ भाषण देंगे, उनको रोको। काफी कोशिश की लेकिन आपकी मदद जो हमको मिली ये नाकाफी। मजलिस यहां पर आई है, आपने कच्छ भूज के जितने भी आवाम जो है आज तक वोट देता है, हम देने वाले नहीं, आपको लेने वाले बनाने हैं। और यहां से ज्यादा कच्छ भूज के अंदर यहां पर 6 सीटें, उसमें से कम 4 सीटें आप लड़ाकर कम से कम चारों चार सीट के अंदर हम जीताना चाहते हैं। हम यहां 2 दिन से घूम रहे हैं, यहां पर देखा कच्छ के हालत, ना स्कूल है, ना कॉलेज है, ना हॉस्पिटल है। आज हम लोग हाजीपीर जाकर आए, हाजीपीर के रास्ते हमने देखे, रास्ते कितने 32 किलोमीटर तक कम से कम इतने खराब रास्ते थे। आज ये लोग इतने साल हो गए कच्छ का कोई विकास आज तक नहीं किया ये लोग ने। और यहाँ पर कच्छ की जमीन जो ऐसी है कि यहाँ पर कहाँ बाहर से महाराष्ट्र ने कहाँ कहाँ से लोग यहाँ पर आकर जमीन लेकर यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं और कच्छ भूज के लोग यहाँ पर उनको कुछ कर नहीं पा रहे। हम यहाँ पर आए हैं आपको मदद करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए आए यहाँ पर मजलिस। यहाँ पर कच्छ के अंदर हमने देखा कई लोगों को रास्ते के अंदर देखा, उनके मकान नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है। हम मकान के लिए लड़ेंगे, यहाँ पर हॉस्पिटल लाएंगे, स्कूल कॉलेज लाएंगे। इसके लिए आपका साथ कौन सरकार दिएगा? आपका साथ और सरकार होगा तो मजलिस मजबूत होगी, मजलिस मजबूत होगी तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा विधानसभा की सीटें आएगी और इंशाल्लाह यहाँ के काम एकदम आसान होंगे। आपने देखा होगा एकदम कम शॉर्ट टाइम के अंदर 24 दिन के अंदर हम 26 सीट अहमदाबाद के अंदर कॉर्पोरेशन की जीता के लाए, तो मजलिस क्या नहीं कर सकती है? आज एक साल के अंदर इतना बड़ा पूरा गुजरात के अंदर संगठन खड़ा कर दिया है, ये मजलिस की बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। अब मजलिस के साथ में दलित मुस्लिम सभी लोग साथ में हैं। इंशाल्लाह आने वाले विधानसभा के अंदर आपका साथ और सरकार रहेगा तो इंशाल्लाह यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सीट पर लाकर यहाँ कर आपका यहाँ कच्छ और पूरे गुजरात का डेवलपिंग करेंगे इंशाल्लाह। इतनी बात कहते हुए मैं मेरी बात खत्म करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।